ठीक हो दिल हाथ खुल गया उसका हृदय बल हो गया क्योंकि एक वो दिल जो सही मामले में दिल है हजार कामों से ज्यादा बदल पा रहा है हजार कामों को बढ़कर वो अफसर है अल्लाह की रानी मौलाना रूम फरमाते हैं हो सकता है कि मौलाना रूम की बात को माने से इनकार कर ले आजकल मुसलमान लाने की आदत में इनकार करने की बात नहीं आ रहा लेकिन आप हदीस के बारे में क्या कहेंगे जिसको मैंने पहले कोट किया मौलाना रूम का शेर तो मैंने बाद में सुनाया जैसे कि शायद बोल रहे थे कि कुरान और हदीस को ही साहबों ने पेश किया है आप और हिंदू के शोर आ रहे हैं कुरान और हदीस को पेश किया अब मौलाना रूम क्या क्या बातें हैं क्या वो तो इस तरह बात है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी तो ये क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला ने रहमत को करते हैं अल्लाह ताला रिवायत करते हैं अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे ना जमीन का मालिक ना आसमान लेकिन बंदे मोमिन के हक में मैं नमाज आता हूँ इससे पता चलता है कि काबा अल्लाह ताला की तजल्ली का जरूर है लेकिन बंदे मोमिन का हल काबे से भी बढ़कर तजल्ली का काबे में तजल्ली की वो फरमा नहीं होती तो बंदे मोमिन के हल में होती है इस वक्त मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं एक ही लड़की से ख्याल लग गया तो उसका हृदय अकबर का हो गया क्योंकि हजारों कामों से एक बंदे मोमिन का दिल अफजल होता है बेहतर होता है लेकिन कमरे दिल सही मानो दिल का बनता है जब दिल में कलमे सही बात की दौलत हो तो अगर वो कल्ब में कलमे सही बात की दौलत ना हो तो वो कल कल कहलाने के काबिल नहीं है उस दिल की कोई अहमियत नहीं है उस दिल के बारे में बता रहा है तो पत्थर नहीं पत्थर से भी तैयार हुआ है अगर दिल में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हो तो कोने दो दिल की कीमत नहीं हो सकता लेकिन दिल में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत ना हो तो वो दिल ऐसा बेकार है और ऐसा कुरूल है और ऐसा बेहिम्मत है और ऐसा बेवजन है कि एक पत्थर से भी तैयार होना है इसकी ना तो कोई कीमत है ना तो दुनिया में कोई मोल है ना तो आखिर में उसकी कोई कीमत इसे पता चलता है कि दिल इसलिए दिया गया है कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत की जाए कहने वाले की महबूब का वो भी है कोई चिन्ना जिसमें ना हो भी ना आ रहा है एक मकान है आ रहा है एक मकी है अल्लाह की रानी अगर दिल में महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ना हो अल्लाह ताला की मोहब्बत ना हो तो दिल दिल कहलाने के लायक नहीं है कलमे तैयबा अगर दिल में हो तो दिल दिल बनता है और कलमे में अल्लाह का दर्जा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा ऐसा नहीं सिर्फ अल्लाह का जिक्र हो कलमा ऐसा पढ़ लो पड़े ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े तो या कलमा पढ़ लो मुसलमान हो गए जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह भगवान से अदा ना करे तब तक दिल मोहम्मद रसूलुल्लाह की हकीकत से जज्बात से लबरेज ना हो जाए ऐसा जा के कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं हो वो मोमिन ही कहना मेरे पास नहीं बनता मुसलमानों की जिसमें उसका नाम शामिल करने के काबिल नहीं है जब तक अल्लाह की मोहब्बत के साथ हमारे गुरु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दी जाएगा अब मोहब्बत हो तो कैसे हो मोहब्बत के लिए अब्बा होते हैं मोहब्बत का एक सबक यह है कि जब कोई गुस्ल वाले को देखता है जमाल वाले को देखता है कमाल वाले को देखता है कोफियों वाले को देखता है तो उसे मुतासर होता है उसके दिलों से मोहब्बत पैदा होती है और कभी ऐसा होता है कि देखने का मौका नहीं मिलता लेकिन किसी कमाल वाले के कमाल को सुनकर दिल में मोहब्बत पैदा होता है न तन्हा इश्क अंदीदार से हर बताती दौलतन गुफ्तार से हर इश्क सिर्फ दीदारी के अंदाज से नहीं होता कई मरतबा गुफ्तार से भी हासिल हो जाता है अल्लाह की रानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर आपकी मोहब्बत के जज्बे को हासिल करना ये हिम्मत का आकर वो नसीब आपका अबू बकर का था वो मुहद्दत उमर का था वो नसीब तो उस्मान के लिए मोहम्मद वली की थी आपको हमको वो मौका वो मरतबा तो नहीं मिला वो जमाना वो दिए वो टाइम तो हमको नहीं मिल सका कि हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देख करें लेकिन हमारे लिए यही क्या कम है कि हमने अपनी आंखों से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा तो क्या हुआ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमने इतना पढ़ा है और इतना समझ रहे हैं और क़यामत तक इतना समझ रहेंगे कि ना तो किसी की अज़मतों के कुल हद तक गाये गए ना क़यामत तक गाये जाए सुभान अल्लाह आदम के औलाद में कोई पैदा होने वाला ऐसी शान वाला पैदा नहीं हुआ कि जिसकी हद तक दुनिया में तारीफ की जा रही हो क़यामत तक इसकी तारीफ होती रहे जमीनों में भी जिसकी तारीफ हो आसमानों में भी जिसकी तारीफ हो दुनिया में भी जिसकी तारीफ हो क़यामत के दिन मकाम में तहल्लुक कर ले और हमसे पहले कोई भी तारीफ ऐसी शान वाला ऐसी तारीफ के काबिल दुनिया में अल्लाह के मखलूक का कोई पैदा नहीं हुआ अल्लाह के मखलूक में सबसे बढ़कर अगर तारीफ के कोई काबिल है अल्लाह के अभी वो हबीब है जिनका नाम भी मोहम्मद है जिनके नाम का मतलब भी अल्लाह ने तारीफ किया है जब कोई उनका नाम ले लेता है चाहते हुए या बिचाते हुए उनकी तारीफ करने पर मजबूर रहता है अरब के बाहबी बोले काफिलों ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसम्मम कहकर मुनाफिक कहना शुरू किया मुसम्मम के माना
Thank you.
खत्म खुदाए वास्तव का तरीका ना हो कि जो दलाल की कभी प्रकार संग्रह
مدافع
नहीं, आप लाख मजाक करके कहते हैं कि ये बहन तो बहन है, नहीं नहीं मजाक किया है, मजाक मजाक करके फिर तुम्हारे मजाक मजाक है, तुम्हारे दिल में तुम्हारे इस बच्चे से क्या अभी जाने क्या नहीं मजाक के लिए भी होती है, मजाक कभी एक उसके लिए खत्म होती है, कभी अल्लाह को कहे हर जगह मजाक चल नहीं करता, आप तो बस अल्लाह और के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों के बारे में मजाक करने वाला one
कोई आदमी ये हो सकता है कि मैंने पूरे का पूरा दे दिया जिस मुल्क में आप पहले